ठहाकों का डोज देने वाला द कपिल शर्मा शो का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है। इस शो में कपिल शर्मा और अर्चना सिंह के बीच की बातचीत लोगों को खूब हंसाती है। इस शो में अर्चना पूरन सिंह ने जज के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को रिप्लेस किया है। अब द कपिल शर्मा शो के लेटेस्ट एपिसोड में अर्चना सिंह ने बताया है कि उनकी कुर्सी को खतरा है। अर्चना ने खुद इस बात का खुलासा भी किया है कि कौन उनकी कुर्सी हड़प सकता है। अर्चना को किससे खतरा है ये बताने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर उनकी कुर्सी पर खतरा है क्यों। अक्सर कपिल शर्मा इस शो में अर्चना को मजाकिया अंदाज में छेड़ते रहते हैं। दरअसल जब सिद्धू इस शो को छोड़कर गए थे तो अर्चना सिंह ने उनकी कुर्सी को संभाला था। इसके बाद से ही कपिल अर्चना की टांग खींचते हुए नजर आते हैं। वे अर्चना से कहते हैं कि सिद्धू पाजी के आने के बाद उनकी कुर्सी छिन जाएगी। हालांकि इस बार मामला अलग है। अर्चना ने सिद्धू से नहीं बल्कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस से अपनी कुर्सी को खतरा बताया है। दरअसल द कपिल शर्मा शो के सेट पर अभिनेत्री काजोल अपनी आने वाली फिल्म सलाम वेंकी का प्रमोशन करने आई थी। उनके साथ विशाल जेठवा और रेवती भी शो का हिस्सा बने थे। फिल्म के स्टार कास्ट के साथ कपिल खूब मस्ती मजाक कर रहे थे। कपिल के जोक्स पर काजोल जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रही थी। उन्हें ऐसे खुलकर हंसते देख अर्चना ने कहा, अगर मेरी कुर्सी कोई ले सकता है तो वो काजोल है। अर्चना इस बात को मानती है कि द कपिल शर्मा शो में बस काजोल ही है जो उनकी कुर्सी पर कब्जा जमा सकती है। शो के दौरान अर्चना ने कहा कि अगर कोई मेरी जगह ले सकता है तो वो सिद्धू नहीं बल्कि काजोल है। आपको बता दें कपिल शर्मा शो में इस बार कृष्ण अभिषेक नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ भारती सिंह और चंदन प्रभाकर यानी चंदू चायवाला भी नहीं दिख रहे हैं। सभी ने शो से दूरी बना ली है जिसकी वजह से कपिल के शो को अच्छी रेटिंग्स नहीं मिल रही है। कपिल के शो को फैंस उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। वहीं कपिल शर्मा अकेले ही अपनी डूबती नैया को संभाल रहे हैं। नए कॉमेडियन कुछ खास कमाल नहीं दिखा रहे। इसी वजह से कपिल शर्मा का शो टीआरपी लिस्ट में टॉप पर नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे मियो वोल्फ को। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।